ही नाच को कैंसिल करवा दिया जाता है प्रोग्राम में, क्योंकि मंत्री साहब के पास वक्त नहीं। और इस बार भी सत्या को ये लगता है कि हो ना हो ये कार्यक्रम भवानी की वजह से ही रद्द हुई है, क्योंकि उसे अम्बा की नाच बहुत ही सस्ती और गिरी हुई लगती है, जो ऐसे समारोह में नहीं होना चाहिए। और वो सई को बताता है कि डांस कैंसिल होने में भवानी और विराट का ही हाथ है। और तब सई मनाती है मंत्री जी को और बोलती है कि ये डांस कितना जरूरी है आज के कार्यक्रम में, और इस डांस के चलते उनका ये क्लासिकल डांस फॉर्म बचा रहेगा समाज में और लोग इसे इज्जत से देखेंगे। और सई बोलती है कि वो खुद भी नाचने वाली है इस कार्यक्रम में। और फाइनली मंत्री जी भी रुक जाते हैं और प्रोग्राम होता है, पर भवानी और विराट को ये नाच गान बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा पब्लिक प्लेटफॉर्म में। और विराट जाकर वो पी लेता है जिसे वो पानी समझ बैठा है, पर असल में वो तो एक ड्रिंक बनाकर कुछ कार्यकर्ता लोग ने रखा था अपने लिए। और कुछ ही समय बाद सत्या भी जाकर वही ड्रिंक उठाकर पीता है। और कुछ ही देर में विराट को बेचैनी सी होने जाती है, तो वो खुले जगह की तलाश में बाहर चले जाता है एक लाउंज में, और वहीं पर आता है सत्या भी। पर जहां दोनों पहले तो लड़ने निकलते हैं एक दूसरे के साथ और कोट भी उतार देते हैं, वहीं नशे की हाल में नीचे गिर पड़ते हैं। और फिर शुरू होती है एक दिलचस्प बात दोनों के बीच। और तब विराट पूछता है सत्या से कि आखिर उसके सामने हर वक्त क्यों आ जाता है सत्या। पर सत्या बोलता है कि विराट उसके पीछे आता है, ना कि वो उसके सामने। पर फिर विराट बोलता है कि सत्या उसके आगे आगे हर वक्त चलते रहता है। और फिर जब विराट सत्या को बोलता है कि उसे ये बात मालूम है क्योंकि वो एक पुलिस वाला है, तब सत्या उसे सलूट करता है नशे की हाल में, और विराट भी उसे सलूट करता है। और फिर एक दूसरे को दोनों बहादुर बताते हैं और दिखाते हैं कि कितना इज्जत कमाया है दोनों ने अपने अपने करियर्स में। और फिर विराट जब बोलता है कि बेस्ट तो होना ही है दोनों को, क्योंकि वो दोनों रिश्तेदार हैं, तब सत्या जोर जोर से हम कजन्स है कहकर चिल्लाता है। पर विराट उसे चुप कराता है ये बोलकर कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो दोनों कजन्स हैं। और तब एक दूसरे को भाई बुलाकर विराट भाइयों वाला एक सेल्फी भी खींचता है अपने फोन पर, और दोनों एकदम मस्त हैं नशे में। और बस यही हंसी मजाक के बीच दोनों अपनी अपनी दुख जताते हैं, और सत्या विराट से कहता है कि वो विराट से कहीं ना कहीं जलता है। पर जब विराट पूछता है कि ऐसा क्यों, तब सत्या बोलता है क्योंकि सई उसके पास सालों से थी, पर सत्या को तो सई अभी अभी मिली है। पर विराट भावुक हो जाता है और सत्या से कहता है कि क्या फायदा अगर इतने साल साथ में भी रही तो, शादी तो उसने सत्या से ही कर ली ना। पर विराट को चिढ़ाता है सत्या कि हो ना हो सई जितनी स्पेशल है तो विराट को तो लव एट फर्स्ट साइट ही हुआ होगा सई से। पर विराट पूरी तरह से चौंका देता है सत्या को ये बोलकर कि कोई लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुई थी उसकी और सई के बीच, प्यार तो बाद में हुआ था दोनों के बीच। पर तब तुरंत पूछता है सत्या को कि कहीं सत्या को तो लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुई थी सई से। और तब सत्या बताता है कि उसकी भी शादी सई से मजबूरी में हुई है। और ये बात सुनकर अब विराट चौंक जाता है और अब निश्चय करते हैं दोनों कि वो दोनों ही सई से पूछेंगे कि सई आखिर किसको प्यार करती है। पर उधर तो प्रोग्राम भी खत्म हो गई और मंत्री जी लोगों से गुजारिश करते हैं कि सब लोग ये लोक नृत्य और कलाकारों को और आगे बढ़ाएं और प्रोत्साहित करें ताकि ये नृत्य समाज के बीच से कभी खत्म ना हो। और सई का धन्यवाद देते हैं कि उसके चलते ये प्रोग्राम हुआ और लोगों तक ये लोक नृत्य पहुंचाने का काम किया सई ने। पर भवानी तो ताली बजाने से रही, पर अम्बा आज पहली बार गर्व महसूस करती है कि ये डांस ने ही आज इतना सम्मान दिया
उसको और उसके परिवार को, जिसको भवानी धुतकारती रही सालों तक। पर उधर अब सत्या और विराट के बीच भी चल रही है सई के बारे में बातें, और अब विराट को पता चलता है कि सई ने विराट से परेशान होकर सत्या से शादी करी थी पर उसे प्यार नहीं करती। पर विराट पूछता है सत्या से कि अगर सई ये बोल दे कि वो विराट से प्यार करती है ना कि सत्या से, तो क्या सत्या छोड़ देगा सई को? और तब सत्या बहुत ही भावुक होकर बोलता है कि वो नहीं छोड़ सकता सई को क्योंकि वो उसे प्यार करने लगा है। पर अब ये फैसला सई करेगी कि उसे किससे प्यार है। तो देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में, आगे की मोड़ में आखिर क्या होता है इन तीनों के बीच में।